हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने आया हूं कि रिपोर्ट ऑटोमेशन या जो मेरी कोर्स है वो कोर्स आखिर है क्या, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कॉल्स आ रहे हैं और बोला है सर एडवांस एक्सेल तो जनरली जगहों पे मिल जाता है, एक्सेल तो हम 2000-3000 में सीख लेते हैं, बट आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, क्या खासियत है एडवांस एक्सेल में, क्यों जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो हम बताते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट ऑटोमेशन की कोर्स में आखिर कराते क्या है। जी हाँ, हम कराते हैं आपके सामने डू स्मार्ट वर्क, नॉट ए हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास मेल पे एक डेटा आता है, एक पर्टिकुलर मेल आईडी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन से मुझे एक मेल आता है। उस मेल को मैं डाउनलोड करके उठा के एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखता हूं, फिर उस फाइल को ओपन करता हूं, उसका डेटा कॉपी करता हूं और जो मेरे मास्टर डेटा है उसमें पेस्ट करता हूं। तो हमने रिपोर्ट ऑटोमेशन की सीरीज में सबसे पहले कल मैं वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया था कि डाउनलोड ऑटो अटैचमेंट व्हेन यू रिसीव मेल, कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड कैसे हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। जब मेल हमारा डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के बाद वो कॉपी हो जाना चाहिए और कॉपी हो जाके हमारे मास्टर डेटा में पेस्ट हो जाना चाहिए। मतलब कि हमें इसका चिंता नहीं होना चाहिए कि मुझे मेल आई है तो मुझे अपना डेटा अपडेट करना है, अपना मास्टर डेटा अपडेट करना है। मास्टर डेटा क्या होता है, जो लोग फ्रेशर है कभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किए हैं उनको मैं बता देता हूं। जैसे कि आप एक सेल्स कंपनी में है तो आपके पास डेली बेसिस पे सेल्स का डेटा आता है। जी हाँ, कि आज दिल्ली में, मुंबई में, आपकी कंपनी में 10,000 प्रोडक्ट की सेल, 10,000 प्रोडक्ट किस किसने खरीदा है उसका एक डेटा डाउनलोड आपका आ गया। क्यों आया, ताकि आप एनालिसिस कंपेयरिंग वगैरह कर सके। डेटा तो सिस्टम में होता ही है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेल्स सॉफ्टवेयर आपके पास है, जो सेल्स डेटा बेस उसमें तो होता ही है, बट डेटा बेस से दिल्ली जिसमें डेटा बेस का एक्सेस सबके पास नहीं होता है, डेटा बेसिस का एक्सेस जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही होता है। तो वो क्या करेगा कि आपके सेल को डाउनलोड करके आपको मेल कर देगा। अब आपको जो कंपेयरिंग करनी है वो डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मंथली या ईयरली हम लोग डेटाबेस को कलेक्ट करते हैं, क्लब करते हैं, स्टोर करते हैं। एक तारीख का डेटा आया तो हमने पेस्ट कर दिया, दो तारीख आया तो एक तारीख के नीचे पेस्ट कर दिया, तीन तारीख का डेटा आया तो दो तारीख के नीचे पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने का काम हमें डेली बेसिस में करना होगा ताकि हम अपनी एनालिसिस रिपोर्ट उस डेटा से बना। तो डेली बेसिस पे हमें मेल आते रहते हैं। तो उसी वैसा ही डेटा मेल मुझे एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन से हमें मेल आया, हमने हमारा सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस अटैचमेंट को एक फोल्डर में पेस्ट कर देगा और फिर जैसे पेस्ट करेगा फोल्डर में, जैसे फोल्डर में डेटा जाएगा वैसे ही उस फाइल को ओपन करेगा, सिलेक्ट ऑल करेगा, कॉपी करेगा और हमारी जो मास्टर डेटा है उसको ओपन करेगा, उसको सबसे नीचे जाके कैसे करता है अभी आपको मैं लाइव करके दिखाता हूं। बहुत मजेदार चीज है, अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके सामने मैं मेल कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड आउटलुक एंड रिसीव अटैचमेंट। ये वीडियो की जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं, आप वहां से क्लिक करके ले सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे आईपीटी आउटलुक आईपीटी इंडिया आउटलुक डॉट कॉम में मेल आई डी है, जहां पे आउटलुक में अटैच है। उसके बाद हमने यहाँ से अप्रैल को हमने यहाँ ओपन कर लिया और इसको सेंड किया। अब इस फोल्डर में जो हमारा जी ड्राइव के डेटा फोल्डर है इसमें अब पहले से मास्टर डेटा हमारा, इसमें ब्लैंक है, कुछ नहीं डेटा है। मैं एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूं, देखिए अब काम ऑटोमेटिक होने लगा, अप्रैल ऑटोमेटिक आ गया, यहां मेल आया,
हमने शायद फाइल ओपन कर दिया। मैं डेटा फाइल को ओपन करता हूँ। इसमें डेटा नहीं आया क्योंकि मैंने फाइल ओपन कर दी। देखिए इसमें बिल्कुल डेटा नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई डेटा नहीं है, बट मेल आते ही अप्रैल फाइल डाउनलोड कर दिया है। इसमें अप्रैल फाइल जो मैंने मेल किया है उसमें डेटा है, बट मैंने क्या हुआ कि माइक्रो के रनिंग में मैंने फाइल को ओपन कर दिया है, इसलिए डेटा कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। तो एक बार मैं इस अप्रैल शीट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डिलीट करने कोड मेरे अपने माइक्रो में यहाँ इसमें नहीं डाल रखा है। तो एक बार दोबारा मैं मेल करता हूँ यहाँ पे आईपीटी इंडिया डेटा। डेटा के साथ भी कुछ हो सकता है सब्जेक्ट डेटा, क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था कि वो डेटा जिस जिस इस ईमेल आईडी से अगर डेटा नाम पर कोई मेल आता है तो उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। हमने यहाँ मेल सेंड कर दिया। अब हम आउटलुक में इंतजार कर रहे हैं, 12:20 या 21 पे आएगा। एक मैं सेंड रिसीव भी कर देता हूँ। मिलाया, फाइल ओपन हुआ, कॉपी हुआ, बंद हो गया। कुछ एक्शन हुआ था देखा आपने, यहाँ देखा अप्रैल फाइल आ गया, यहाँ डेटा ना आ गया, कॉपी पेस्ट है, डेटा कॉपी हो गया, बट ये हेडिंग को भी पेस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज, ये अप्रैल नाम का सीट आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर अप्रैल नाम का फाइल आता है तो प्रॉब्लम होगी। तो उस केस में हम अपनी प्रोग्रामिंग को डिलीट कर सकते हैं या प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल बेस्ट डॉट वैल्यू हो गया, और यहाँ पे मैं कल रेंज डॉट एक्स लगाना भूल गया डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, और लास्ट में हम यहां पे एक का देंगे किल। किल और कौन सा, ये जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है, बेसिकली अभी ऑटोमेट नहीं है, अप्रैल को ही ये ले रही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आगे क्लासेस में हम इसको ऑटोमेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेल अटैचमेंट हो रहा है तो डेट बाय फोल्डर डाल देंगे, और ये जो आपका जो डिस्प्ले नेम है जो मेल के नाम से फाइल आ रहा है उसी फाइल को आगे पिक करेगा। लेकिन एज ए ट्रायल के तौर पर मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो अब क्या होगा कि जो अप्रैल नाम का फाइल यहाँ जो लोड होता है उसको डिलीट भी कर देगा, या डिलीट नहीं करना चाहते तो किसी और सिस्टम में मूव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने डिलीट का कोड डाला हुआ है। अब एक बार और मैं मेल करता हूं यहाँ पे आईपीटी इंडिया, और यहाँ पे हमने दिया डेटा, हमने यहां से अटैचमेंट अटैच किया, और यहाँ पे हमने इसको सेंड किया, सेंड हो गया। अब मैं अपने आउटलुक से आता हूँ, पहले से जो बहुत सारे मेल है एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैं मेल बॉक्स फुल हुआ है, और मैं इसको सेंड रिसीव करता हूँ। मैसेज बॉक्स दिखाना चाहते हैं तो आप मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं कि हाँ देखिए फिल हो गया। अब इसमें जो डेटा ऐड हुआ है जैन ऐड हुआ, और नीचे जो ऐड हुआ उसमें देखिए हेडिंग नहीं, हेडिंग को डिलीट कर दिया। तो ये चीजें हम कर सकते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में।
आपके जो डिलीट वाला ऑप्शन है एंटायर रो बाय डिलीट, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ अब इस कोड को क्या है कैसे है ये तो आप जो वीबीए प्रोग्रामिंग सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। फिलहाल मैं कोड में आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ जहां से आप इसकी कोड को देख सकते हैं, इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जब रिपोर्ट ऑटोमेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मैं इसी तरह की ऑटोमेशन समझाऊंगा, चाहे वो आउटलुक के जरिए हो या एक्सेल फाइल के जरिए हो। जैसे कि मैंने अब अगला जो हमारा वीडियो प्लान कर रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब 3 बजे मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल को ओपन करेगा और डेटा को ओपन करेगा। उस डेटा में एक मान लीजिए मास्टर डेटा है और मुझे उस मास्टर डेटा को 20 लोगों को मेल करना है, बट 20 लोगों को सेम डेटा मेल नहीं करना, उसमें से फिल्टर करके 20 अलग अलग फाइलें बनानी है, देन 20 लोगों को मेल करना है। तो 3 बजे मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे एक्सेल फाइल को ओपन करेगा और 20 फाइलें बना देगा और वो फाइलें उन पर्टिकुलर पर्सन को मेल भी कर देगा और ये बैकएंड में हो जाएगा। मैं सिस्टम से रहूं ना रहूं कोई बात नहीं, बस मेरा सिस्टम ऑन होना चाहिए। ये चीजें हम करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो मेरे चैनल से बने रहें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो हमारे यहाँ जो रिपोर्ट ऑटोमेशन की कोर्स होती है वो इस तरह से होती है कि हम आपको बताते हैं कि आप काम क्यों करें, आपका काम आपका कंप्यूटर करेगा। अब बताइए 25,000 30,000 लाख 1.5 लाख का कंप्यूटर आपका रखा हुआ है, फिर भी आप खुद से काम करें नहीं, आप ऐसा कुछ सीखिए, ऐसा कुछ करिए जो कंप्यूटर आपका काम करे, जो क्रिटिकल है, जहां पे ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है वहां पे आप काम करें, जहां पे सिस्टम खुद ब खुद काम कर सकता है वहां सिस्टम में प्रोग्राम करें, सिस्टम खुद ब खुद काम करे। जैसे अभी आपने देखा कि मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए सिस्टम एलिजिबल है तो ऑटोमेटिकली कर रहा है, इसमें हमें कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एमएस ऑफिस है, हमारे पास आउटलुक है, तो क्यों ना हम आउटलुक और एमएस ऑफिस की मदद से हम ये काम को करें। तो मेरी जो कोर्सेज है ये बताता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप हमारे कोर्स पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट iptindia.com पे चले जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भरे, एक दो क्लास डेमो ले, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।